दोस्तों अभी जो है हम फोर्ट के बिल्कुल ऊपर हैं यहाँ पे, तो यहाँ से देखिए शहर का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। वहाँ दूर एक जो है झील है वो भी देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों पीछे जो दिख रहा है एक होटल है छोटा सा, यहाँ पे हम रुके हैं जैसलमेर में। अभी हम जा रहे हैं घूमने फोर्ट में, यहाँ से थोड़ी दूर है, पैदल निकलते हैं। ये है जैसलमेर फोर्ट, जिसे सोनार किला के नाम से भी जाना जाता है। ये किला जो है तिकोनी पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। इस किले का निर्माण जो है 1156 ईस्वी में भाटी राजपूत राजा रावल जैसल ने करवाया था, इसलिए इसका नाम जैसलमेर फोर्ट भी है। किले के बारे में और जानने से पहले यहाँ किले के बाहर ही जो है एक ठेला लगा हुआ है, जहाँ पर नाश्ते में एक नई चीज़ देखने को मिली है, जिसे यहाँ पर दाल पकवान कहा जाता है। चलिए आपको भी दिखाते हैं। आपको दाल बाउल में दूँ या इसी के ऊपर लगाऊँ? बाउल में दो, क्योंकि आपकी आदत नहीं है ऐसे खाने की। के ऊपर डालते हैं तो क्या वो गीला हो जाता है? मिर्ची कैसा रहेगा सर? नॉर्मल लसन क्या सर रहेगा? हेलो, हाँ ठीक है। पापड़ सा किस चीज़ का बनते हैं? ये मैदे का होता है, खाया नहीं आज खा के देखिए। जैसलमेर की यहाँ लोग ज़्यादातर यही नाश्ता। फोर्ट के सबसे पहले गेट के अंदर आने के बाद किला देखिए चारों तरफ से कुछ इस तरह से दिखता है। इसके पत्थर का जो रंग है वो सुनहरा होता है, इसलिए सूरज की किरणों से ये और ज़्यादा चमकता है। ये दूसरा गेट है। और दोस्तों अभी हमने किसी से पूछा किले के बारे में, तो उन्होंने बताया कि 5000 लोग जो है इस किले के अंदर रहते हैं, यानी कि उन्होंने रेस किया हुआ है इनके अंदर। और ये है तीसरा गेट। हर गेट में आपने देखा होगा ऊपर की तरफ चढ़ाई दिखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ घूमने के लिए आना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च के महीने में आए, क्योंकि इन दिनों में जो है गर्मी कम होती है, तो आप पूरा दिन आराम से घूम सकेंगे। ये चौथा गेट है। चौथे गेट के बाहर जो है आपको शॉप वगैरह दिख जाएगी, जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हैं और कुछ ख़रीदारी भी कर सकते हैं। किले का जो सुनहरी रंग है बहुत ही आकर्षक लगता है। पूरा किला जो है इस तरह से घूमते घूमते काफ़ी समय लग सकता है। यहाँ पे एक म्यूजियम भी है, लेकिन हम एक ऐसी जगह पे चलेंगे अब जहाँ से हमें जो है पूरा शहर जो है वो दिखाई दे।
हमरा से ऊंचाई तो घनी गुना कल यहाँ पर हैं यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए शहर का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा है। वहाँ दूर एक जो है झील है वो भी देखिए यहाँ से ही दिखाई दे रही है हमें। तो उस झील पे भी जाएंगे, पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे चक्कर लगाते हैं उसके बाद जाएंगे। यहाँ से व्यू बहुत प्यारा है, फोन भी इतने अच्छे से नहीं आ रहा। मैं आपको GoPro का शूट है, GoPro से जो शॉट लिया है वो दिखाता हूँ, बहुत प्यारा। अभी GoPro देखिए मैंने पीछे यहाँ पे आपको दिख रहा हुआ रखा हुआ है टाइम लैप्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बादल है वो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं अभी, तो उनका भी शॉट बहुत अच्छा आएगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। और हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे, काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये देखिए पूरा व्यू देखिए यहाँ से कितना प्यारा। अभी हम जो है वापस जा रहे हैं, यहाँ जो है दो नंबर गेट के सामने देखिए कुछ जो ज्वेलरी की शॉप लगी हुई है, यहाँ के जो लोकल शॉपकीपर है वो सेल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ राजस्थानी ज्वेलरी है, अगर अच्छी लगी तो मैं घर के लिए लेके जाऊँगा, मीनू के लिए और मेरे एक भतीजे है उसके लिए। यहाँ से झील कितनी दूर है? झील आपको यहाँ से पड़ेगी 1 किलोमीटर पैदल, 5-7 रुपये बस। शूट पसंद नहीं है आपको बच्चों? कलर तो ना वाइट में है, ये वाइट में मिलेगी। एक पगड़ी में ब्लैक कलर की, वो पगड़ी कौन सी वाली? देखी मैं ये भी 100 के हैं, ये आपको 150 की पड़ेगी, वो 100 रुपये की पड़ेगी। अच्छा, वो क्या है कि थोड़ा रबर प्रिंट में आती है, वो प्रिंटिंग में आती है, वो सन है। इंडियन तो 600 ही देके जाते हैं, अंग्रेज वैसे कोई फिक्स नहीं है। हाँ, उनसे दे उनको 600 बता दें, क्योंकि अंग्रेज बहुत कम रुपये करवाते हैं। उनको 600 ईमानदारी से बोलोगे ना तो भी ईमानदारी से वो समझते नहीं है, उनको 700 बता रहे। बिल्कुल यहाँ मार्केट लगती है क्या? तो अभी तो मेरे ख्याल खुली नहीं, सारी दुकानें है ना खुलेंगी आपकी 10 बजे तक। और कोई आइटम है तो वो बता दे भाई। बच्चों के लिए भी है, औरतों में आपने बाहर जो डेकोरेशन की वो सारी लगी है। और ये सिंपल टी शर्ट जो है ये कितने की है? ये आपकी सारी 150 की पड़ेगी। कलर वगैरह बनेंगे ना, है ना कलर दिखा दो ना उसमें, ये कैमल वाले में दिखा दो आपकी सारी। हाँ व्हाइट का जो लुक है ना किसी कलर में नहीं है, बाकी आपको जो अच्छा लगे तो हम कस्टमर पे छोड़ते हैं। वो कौन सा अच्छा लगता है? व्हाइट ले ला ना, व्हाइट ले ले, अरे ऑरेंज ले, बढ़िया है। छोटी पड़ेगी और टाइट पड़ेगी, ये आपको सही पड़ेगी और एकदम कम्फर्टेबल पड़ेगी। नहीं बिल्कुल नहीं, कभी भी अभी आपको लगेगा टाइट पड़ेगी। Thank you.
अभी हम जो है वापस रूम पर जाएंगे और उसके बाद जाएंगे गड़ीसर झील देखने। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।